कलजीत आ चुकी हैं इंडिया अपने कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए, बट उससे पहले वो हमारे साथ आई हैं स्पेशल लंच डेट पर और बहुत सारी बातें करने वाली हैं, अपने फेवरेट फूड के बारे में बात करने वाली हैं, इंडिया को कितना मिस करती हैं और स्पेशली यहाँ के खाने को कितना मिस करती हैं, करियर, एवरीथिंग। आई थिंक मैं अगर ओपनिंग करती रह जाऊँ तो हम लोग होता ही रहेगा, बट हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिलजीत, सबसे पहले बताइए, इंडिया कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद आकर? घर तो देखो घर होता है, यहाँ जैसे लैंड होता है ना मुंबई में, हाँ। बस वो फीलिंग ही अलग है, वो अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं जबकि पहले बैंगलोर गई फिर यहाँ आई, लेकिन बस वो है, जैसे फ्लाइट लैंड करती है ना आपको लगता है यार मुंबई आ गए। अच्छा, बस वो घर वाला मायके वाली फीलिंग जो है वो है। मायका मतलब इंडिया हैज बिकम मायका फॉर यू? ऑफ कोर्स, मुंबई, यू नो 20 साल यार आई स्टेड हियर फॉर मोर देन 20 इयर्स, तो वो अटैचमेंट तो फिर है ही। तो जब मुंबई आना होता है तो पैकिंग वाला जो एक्साइटमेंट रहता है? ओह, मुंबई की पैकिंग एक्चुअली बहुत कम करके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई में मुझे लोखंड वाला के कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, फिर लगता है यार चलो बांद्रा जाएंगे, चलो, तो मैं यूजली आती हूँ इस चक्कर में कि यहाँ से पैक करके लेके जाऊंगी। तो पूरा मतलब वो जो सामान वो खाली आता है, बैग खाली आता है फिर भर के जाता है, दैट्स द होल आइडिया ऑफ दैट्स नाइस। लोग जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और बैग भर के लाते हैं और आपका होता है। ये जब मैं दुबई जाती थी तो मेरा ये होता था हमेशा, आई यूज टू कैरी एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी सूटकेसेस, फिर वहां से भर के लाते थे। अरे वाह, तो अब ये मुंबई का भी मुझे रियलाइज हुआ कि मुंबई का भी लालच बहुत है। चलो आज तो हम लोग लंच पे आए हैं, सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? क्योंकि हमारा स्पेशल लंच था, यू नो समथिंग, यू एट समथिंग और नहीं? नहीं, अनले ऐसे वाले जब ऐसे लंच पे आता तो इंसान अपनी भूख बचा के लाता, तो मैं अपनी भूख बचा के लाई। तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जब जिसके कुछ फेवरेट्स आने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया है, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि जो कितने दिन का शेड्यूल है मुंबई का? अभी 3 दिन का है। ओह बस, हाँ तभी इतनी भाग दौड़ हो रही है, यहाँ वहाँ बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि 3 दिन का ही अभी तो बन पा रहा है, मे बी 4 दिन अगर बहुत ही कुछ नहीं मैं मैनेज कर पाई, बिकॉज मुंबई में पंगा वही है ना कि इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर तो उसी में एक दिन निकल जाता है, आप मिलते हैं दो ही लोगों को लेकिन वो 2 दिन आपका पूरा दिन नहीं लेते, और ऊपर से जो ट्रैफिक है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, विच इज़ व्हाई, या तो अगर मेरा नहीं हो पाया तो अराउंड 4 डेज। ओके, एंड क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या चल रहा है? जितना मुझे पता है कि बातें तो बहुत सारी होने वाली है, बट कुछ इवेंट्स भी है जो आपको अटेंड करने हैं। करेक्ट, विच इज़ वाई आई केम, तो मैं एक्चुअली आई हूँ बैंगलोर, मैं टेक्निकली इंडिया बॉम्बे नहीं, मुंबई नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ बैंगलोर, मेरे डैड की नी सर्जरी होने वाली है। अच्छा, तो आई वॉन्टेड टू बी देयर, यू नो ऑब्वियसली सपोर्टिंग, बेटियों का थोड़ा पापा के साथ होता भी है ना तो वैसा वाला, बट देन मुझे पता चला कि प्रेमियर है मेरी फिल्म का, दशमी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है कल, सो उसका प्रेमियर है और बड़े स्क्रीन पे देखने का मजा भी कुछ और होता है, मैंने कहा चलो यार देख के आते हैं कितना इतना अच्छा अच्छा जो एक्टिंग की है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सो आई एम हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोल आल्सो, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। तो आज उसका प्रेमियर है, बस आपके इंटरव्यू के बाद वहीं जाऊंगी मैं, सो आई थिंक चलो काम भी हो जाएगा लगे हाथ, सो लॉट ऑफ थिंग्स क्लब टुगेदर। हाउ्स लाइफ? लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, बिजी ट्रैवलिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, मुझे लगता है अब सेटल हो गए, सब हो गया, अब काम करना है। और यू नो जब आप एक किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप कॉर्पोरेट में बोलो चाहे हमारी इंडस्ट्री में, जब आप बहुत साल दे देते हो कहीं पे तो उसके बाद लगता है कि यार अब काम आता है, अब काम दो, यू नो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ फेज वेयर आई थिंक नाउ एक्टिंग तो कर ही लेते हैं अब, नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू नो सो आई एम इन वेरी वेरी एक्साइटिंग फेज ऑफ माई करियर, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम होपिंग कि आई गेट मोर रीजंस टू कम एंड मोर रीजंस टू शूट, सो आई वांट टू वर्क नाउ, आई एम एक्साइटेड। तो जब दिलजीत का नाम टाइप करते हैं ना तो एक बड़ी जो न्यूज आती है जो मैं पढ़ती हूँ और बड़ा हर्ट होता है मुझे, शी लेफ्ट इंडिया एंड यू नो शी डिड नॉट लीव इंडिया, मुझे लगता है लोग धक्के मार के निकाल देते हैं, बात लड़कियों की नहीं है शायद, पर आई थिंक ये पता नहीं क्यों है, जब आप माँ बनते हो तो बोलेंगे अब तो माँ बन गई, अब क्या बेचारी तो बिजी होगी, अरे हाउ आर यू अज्यूमिंग, अब तो शादी हो गई अब बिजी है, अरे बिजी मतलब आई वॉन्ट टू वर्क, इट्स माई फर्स्ट लव, आई विल फ्लाई फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड टू वर्क, सो हाँ मतलब ठीक है यार शादी हुई है मतलब भगा क्यों रहे हो, यू नो इट्स लाइक दैट कि शादी हो गई मतलब एक्टर थोड़ी ना, आई एम नॉट फॉरगॉटन माय एक्टिंग बिकॉज आई गॉट मैरिड, जी जी जी, सो आई एम एक्साइटेड एक्चुअली टू, आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, मैं यहाँ पे कुछ होपफुली कुछ साइन करने भी आई हूँ, आई एम क्वाइट एक्साइटेड एक्चुअली टू स्टार्ट नाउ माई करियर अगेन, इट्स गोना बी फन। क्या क्या प्लानिंग्स है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो जो मूवी का तो ऑफकोर्स स्क्रीनिंग हुई है तो रिलीज भी होगी और हम देखेंगे भी 100%,
बट और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं? मेरा एक नहीं, एक्चुअली दो वेब शोज हैं. एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं वो अपने टाइम की, और उनका नाम मैं नहीं लूँगी, आई एम नॉट सपोज टू, बट एज अ एविड फैन ग्रोइंग अप मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ और हूँ भी. वाइल शूटिंग विद हर ऑल्सो लाइक यू स्टिल लाइक दैट, हाउ यू लाइक दैट. सो आई डन दिस वेरी इंटरेस्टिंग वेब शो with her, mm-hmm. and that's releasing with some really amazing cast with it. और बड़ा interesting role है उसमें, बहुत बहुत interesting role है वो भी. I think अब वो एक level पर आ गया कि अब उसकी भी announcement आने वाली है जी. और एक और web show मैंने किया है, उसमें I'm the central lead और उसकी लड़की की journey बहुत ही, मतलब tissues लेके बैठना पड़ेगा वैसा वाला एक role है. So उसमें भी बड़ी मेहनत की थी. वो भी आई थिंक अब कभी रिलीज पे ही है, बट वो कह रहे हैं कि इट टेक 3 to 4 months मोर. तो दिस ईयर आई हैव लाइक अ कपल ऑफ रिलीजेस, सो आई एम होपिंग कि वो आए एंड देन आई थिंक ऑफ व्हाट आई डू नेक्स्ट. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. दिस 24 इज गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. वाओ, दैट्स सो नाइस. एंड अब कोविड जैसे रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है. ओह थैंक गॉड. या या या, कोविड ने बड़ी हमारी एनर्जी ली. सो या, ओके ओके, नाइस. सो आई थिंक डेली सोप में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम रहेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट देयर इन इंडिया एंड यू कांट go on the set daily or something like that, you know. हाँ, मतलब mixed opinions हैं. I love being a television actor. I think जो भी मैंने सीखा, जो भी पाया, जो भी you know whatever friends family that I made, television से ही आते हैं. तो television is my first love and I'm very proud that I'm a television actor. Television just takes a lot of time. अगर तो कोई limited series हो तो I don't mind being a part of it. I can actually take out time to be a part of a limited series. लेकिन जो सालों साल चलने वाला है, then it becomes difficult with kids and everything. There's too much, you know, to and fro to do. But limited series के लिए actually I'm quite excited. I don't mind doing it. And what about realities? Reality also for sure. Anywhere where I get challenged, see, खतरों के खिलाड़ी वाली मैं हूँ नहीं, तो वो शायद नहीं. लेकिन इफ देयर इज झलक दिखला जा और समथिंग लाइक दैट, व्हेन आई फील दैट आई विल गेट टू टच माय टैलेंट एंड डू समथिंग मोर, आई वुड लव टू डू फॉर श्योर. ओके, ये कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग आई थिंक चीजें आई हैं. यू कैन हैव दिस एंड हमने इतनी बात की तो ऑफ कोर्स हमारा है ना. हां, ये कोंकण स्टाइल में इसको क्या बोलते हैं? सोल करी. दिस इज व्हाट, या सोल करी. ओह वाओ, सोल करी कहते हैं. बहुत इसमें एनर्जी होती है. दे पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, जो कोकोनट मिल्क का बना होता है. वाओ, या, इट्स नाइस. सो टेल मी, हम बात कर रहे थे करियर की, ग्रोथ की, बेबी, शादी एंड एवरीथिंग. आपके पास बेबी भी है, शादी हुई है. हाउ डू सी योर करियर, लाइक अगर शादी हो जाती है तो क्या सच में रोल मिलना कम हो जाता है? यार ये मैंने ना अपने लाइफ में अनफॉर्चुनेटली खुद देखा है, लाइक स्पेशली व्हेन जेरन वाज बोर्न. मतलब मैं इस प्यार को क्या नाम दूँ कर रही थी, आप कह सकते हो इस प्यार को क्या नाम दूँ ख़त्म हुआ एंड आई गॉट प्रेग्नेंट. उसके बाद मतलब आप ले लो गैप, एक साल का, डेढ़ साल का गैप ले लो आप. जो लड़की एक बहुत सेंट्रल, एक कैरेक्टर इतना अमेजिंग, इस प्यार को क्या नाम दूँ इज़ अ ह्यूज हिट, इतना अमेजिंग रोल मैं कर रही थी, डेढ़ साल के अंदर अंदर दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी अ रोल 20 years old. ऐसा अभी डेढ़ साल पहले तो मैं मतलब अच्छा खासा 25-26 साल का कर रही थी, अब ऐसा क्या चूल काट गया आप लोगों को कि मुझे 50 साल का बना रही हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव अ बेबी. इफ आई एम हेल्दियर एंड आई हैव नॉट टोन डाउन एंड आई हैव नॉट कम बैक टू माई पार्ट, आई गेट इट. बट मैं रिड्यूस करने लग चुकी थी, आई हैव बिकम फिट अगेन. बट नहीं यार, अब तो आप मदर बन गए सर. अरे मैं रियल में क्या हूँ, तुम्हारा क्या जाता है उसमें भाई. मैं रियल में मदर हूँ, बट दैट डजंट गिव यू द राइट कि मैं रियल लाइफ में क्या हूँ. इफ आई डोंट लुक, मैं डेढ़ साल के अंदर डेफिनेटली 20 साल तो मैंने लीप नहीं लिया अपने रियल लाइफ में, तो आप मुझे लीप क्यों दे रहे हो? दैट वॉज माई शिकायत विद माई इंडस्ट्री, मीडिया, एवरीबडी. मुझे वो जेन्यूनली शिकायत थी सबसे कि आप लोग प्रोजेक्ट एक लड़की ने डिलीवर किया फिजिकली, येस आई वेंट थ्रू अ लॉट, बट आई एम विलिंग टू कम बैक. अब थोड़ा बहुत शायद फ़र्क 19-20 का होगा, चलो मैं बोलती हूँ 24 नहीं, मैं शायद 35 साल, बट आप मुझे मतलब 25-30 साल का लीप कैसे दे रहे हो जी? सो वो मुझे बड़ा झटका लगा था उस टाइम, क्योंकि इस प्यार वॉज अ ह्यूज हिट एंड आई उसके बाद तो ऐसा था कि यार अब क्या आएगा, यू नो, लाइक व्हेन यू डू समथिंग विच इज़ प्रेज्ड एंड अरे यार अंजलि दी आपको देख के यू नो ऐसा वैसा, इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते थे. एंड बिकॉज आई बिकेम अ मदर, वाई आर यू, इट्स नॉट, इट कॉन्ट डिटोरिएट यू, इट नीड्स टू टेक यू वन लेवल अप, क्योंकि मेरा घर अब सेटल हो गया, मैं और अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगी. सो आई हैड टू स्टार्ट माई करियर फ्रॉम जीरो. मैंने फिर काला टीका किया जी. काला टीका वॉज अ मदर,
बट आई टुक इट बिकॉज दैट टाइम जो भी बहुत कुछ हुआ तो आई हैड टू टेक इट बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल रोल सो नो रिग्रेट्स बट उसके बाद आई सेड नहीं यार मैं मतलब अंजलि के बाद का मुझे रोल दो ऐसा गलत है देन आई डिड कयामत की रात देन आई डिड ऑल द यंग नाइस रोल्स एंड इट्स नॉट अबाउट एज आई जस्ट थिंक कि पर्सनल लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है शुड नॉट डिफाइन यू और योर करियर एंड आई फेस दैट सो मेनी टाइम्स तो मुझे फिर लगता है अरे आपकी तो शादी हो गई आप चली गई अरे मैं चली गई बट मैं मेरी एक्टिंग और मेरी आत्मा तो नहीं चली गई साथ में भाई मैं वहाँ छोड़ के थोड़ी ना आऊंगी व्हेन आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एक्ट जस्ट फाइन यू नो So it's that, but let's see, it's going to be. But you look same, like it's nothing like you have a baby, then you have changed or aapka look change ho gaya. I mean, still I can see ki you look the same, wahi, jo Diljit pehle dikhti thi. Because I think nowadays, you know, everyone's very conscious of how you look. Haan. Everybody loves fitness, I love fitness. And I think aapko ye dekhna chahiye ki is waqt main camera mein kaisi dikh rahi hu. Acting is thankfully not the part of worry. If I'm looking the part of 30, 35, 25, 42, whatever I'm looking the part should be defined by what you're seeing on camera. Correct. Should not be ki yaar ye ab yahan jane wali hai 6 bachcho ke paas ki 3 bachcho ke paas ki that has nothing to do with what I'm looking and whether I'm able to convince you of my character. So it should be that. And yeah, I don't know. Dekhte hain ab kya aane wale kis tarah ke roles aayenge. Ab it will be exciting actually na. Oh, ab to shaadi ho gayi. Ab dekhte hain. Ab hum aapko dekhenge. Aap mujhe mat dekho. But you know, abhi industry mein abhi jaldbazi mein main bahut saalon se bol rahi hu ki ये सारे सिस्टम जो स्टीरियोटाइप थे ना कि वो हेल्दी या फिर वो साइज जीरो ही चाहिए ये सब ब्रेक हो चुके हैं विद्या बालन है करीना कपूर है सबने जो करीना वाज लाइक शी वाज आई रिमेंबर शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वॉक्ड ऑन लाइक फैशन वीक जो हमारा चल रहा था पीपल वर लाइक लुकिंग एट हर एंड इट्स लाइक ए पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग्स करेक्ट सब कुछ अब ब्रेक हो चुका है और अब मेंटालिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है आई थिंक बिकॉज द वुमेन आल्सो हैव स्टूड अप टू देमसेल्व्स लाइक आई हैव नॉट सेड अरे यार शुक्रिया मुझे आपने रोल दिया I have also, I think, always been very, मतलब known to speak my mind. I can't, मुझसे होता नहीं. That I know. हाँ, अब जो है वो है भाई. अब आप लोग गलत करोगे तो मैं बोलूँगी this is not right. Because I just feel talent, because we are creative. अब मैं paint कर रही हूँ, if I'm a painter, अब मैं अपने night suit में paint करूँ, shorts में paint करूँ, बुरखा डाल के paint करूँ. You have to judge me by the paint. By what I have given you, right. Not who's selling it, right? अब मैं घर जाके हो सकता है बिल्कुल ही मतलब ऐसे बैठती हूँ जो आप मुझे बोलोगे यार ये तो पड़ोसी की बेटी है टाइप्स लेकिन उससे आप जज नहीं कर सकते कि मैं कितनी ग्लैमरस लग सकती हूँ या मेरी कैपेबिलिटी ऑन स्क्रीन कैसी है जब बिकॉज मैंने अंजलि प्ले किया था तो मैं नेगेटिव रोल्स मांगती थी कि यार मुझे नेगेटिव ट्राई करना है हाँ यार आपका चेहरा देखो कितना क्यूट सा आई सेड यार डोंट डिसाइड दैट फिर मैंने गुड्डन किया मैंने कयामत किया आई प्लेड एक्सट्रीम वैम्प्स They said, हाँ यार ये तो बड़ा खतरनाक है so, because as an actor, you can't, मैं real life में या क्या हूँ that has nothing to do with how I can perform. So you judge me by my talent, my craft. And I think that is what thankfully, like you said, कि अब हो रहा है जी अब लोग decide करते हैं on your craft, not on what you are. So I hope I get to see that also in my career and I have a good story to tell also. Nice. आपको कौन दिख रहा है बॉलीवुड में जो आपको इंस्पायर कर रहा है जिसके रिसेंटली तो बहुत सारे बेबीज आए हैं लेकिन कोई आपको सभी आई थिंक लाइक यू राइटली सेड करीना है आलिया भट्ट है यू नो आप समहाउ आलिया भट्ट की ज़्यादा बात करोगे रणबीर की नहीं करोगे यू नो व्हाट आई मीन वो भी तो पापा हैं लेकिन आप आलिया भट्ट के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट आलिया को जाएगा बट द फैक्ट इज सी शी इज गॉटन बैक शी इज लुकिंग हरसेल्फ देन इफ शी इज लुकिंग द पार्ट देन यू गिव हर द पार्ट इट्स नॉट कि वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकते पॉइंट वो नहीं है क्योंकि हमें तो मांगना पड़ेगा वो तो खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट द फैक्ट इज दैट शी इज एक्चुअली अ फैबुलस एक्टर आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन एंड शी प्लेज द पार्ट सो वेल सो दैट इज वॉट यू नीड टू जज हर अब वो राहा के पास जाए या वो कहाँ जाए दैट हैज नथिंग टू डू विद यू On screen, your character needs to speak. Your craft needs to speak. And as an actor, I'm sure I'm representing a lot of mothers right now. They'll all be nodding and saying, correct bol rahi hai. Correct bol rahi hai. Yes, sahi bol rahi hai. Because that is how it should be. Ji, bhai, sahi bolne ka khamiyaza aaj aapne kitna bharna pada hai. I know you for a long time, like, you know. Yeah. So, but, and I have seen you, pura ekdam straight forward. Haan. Koi bhi mix nahi, jalebi ki tarah ghumana nahi hai. Aata nahi. Wo bolna hai. Wo aata, meri life badi simple hoti, mujhe lagta hai. Mujhe aata nahi hai. Mujhe bada jo hai, wo hai, matlab black is black, white is white, ab kya karo. तो इसका खामियाजा कितनी बार कुछ याद है ये खामियाजा तो हमेशा ही भुगता है इस चीज का अब मुझे याद है जो अवंतिका हंसेगी तो जो मेरी पीआर है उन्होंने एक ऐसा मोड आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे कुछ हुआ और उन्होंने मुझे बोला कुछ रिएक्ट नहीं करना आई सेड नहीं शी सेड दलजीत यू विल नॉट रिएक्ट आई सेड यू नो मी शी सेड आई नो यू
वो सो गई, मैं बोला कि मैं सो जाऊंगी, रात के 3 बजे मेरी भड़ास निकल गई और फिर हेल ब्रोक लूज एंड अवंतिका लाइक मैंने कहा था आई सर आई एम सॉरी यार, मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है कि यार अब जो लोग हमको पसंद करते हैं फॉर आवर क्राफ्ट इज़ ग्रेट, बट फिर वी एंड अप बीइंग पीपल जिनकी लाइफ को भी आप मतलब नॉट आप मतलब इन जनरल पीपल आर इंटरेस्टेड इन आवर लाइफ विच इज़ अ गुड एंड अ बैड थिंग. अब फिर लगता है यार ठीक है सच ही ठीक है, फिर अब सच के रास्ते ही चलते देखते कहाँ जाती है कहानी. सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, आई हैव बीन अनअपोलोजेटिक. बिग बॉस में भी जब मैं गई थी आई रिमेंबर ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी आउट, मुझे गेम भी नहीं समझ में आती थी उस टाइम टू बी फेयर, बट आई थिंक द अ पर्सन लाइक मी एक्चुअली दे शुड हैव हैड मी फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी ब्रैशली अनअपोलोजेटिकली ऑनेस्ट. मतलब अगर आप पसंद आएंगे तो आएंगे तो नहीं तो नहीं. वो उन्होंने उनको शुरू में लगा नहीं यार ये तो किसी को लड़ने ही नहीं देती, मेरा प्रॉब्लम था कोई लड़ता था बोलते क्यों लड़ रहा है चलना चलना ऐसे करती थी मैं मुझे बोलते थे क्यों क्यों चुप कर मतलब आई डोंट नो द गेम देन, बट आई थिंक इट कम्स विद अ ब्रंट एंड दैट्स फाइन. ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स मिस हुए हैं इस चक्कर में? नहीं प्रोजेक्ट कभी मिस नहीं हुए, इनफैक्ट आई विल टेक प्राइड इन सेइंग दिस कि मैंने जैसे इस प्यार किया जो राइटर वेद है उन्होंने ही मुझे नेगेटिव रोल दिया, मैंने बालाजी से शुरू किया उनके साथ मैंने पता नहीं कितने शोज किए, आई हैव ऑलवेज बीन रिपीटेड. मुझे प्रोडक्शन हाउसेस सेम जब खत्म होता था शो देश तो यार नेक्स्ट शो तू हमारे साथ करना. अच्छा, सो आई हैव दैट प्राइड टू से कि मैंने हर प्रोडक्शन के साथ कम से कम 2 या 3 बार काम किया है एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट. एंड आई थिंक इवेंचुअली लोगों को पता चलता है कि यार बेचारी मतलब क्योंकि मैं आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, आई विल नेवर क्रिएट प्रॉब्लम, आई लव डूइंग व्हाट आई डू, सो थैंकफुली दैट आई हैव नेवर फेस्ड नेवर. या ऑडिशन के लिए गई थी बालाजी का ही ऑडिशन था, नेगेटिव रोल था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार नेगेटिव पहली बार ऑडिशन के जाई थी नेगेटिव एंड दे सेड यार दलजी तो तेरा ऑडिशन लेना पड़ेगा बिकॉज यू हैव अ वेरी मासूम सा चेहरा, यू आर अ वेरी नेक्स्ट डोर गर्ल, नेगेटिव कैसे करेगी ऐसे, मुझे ऑडिशन तो देने दो एक बार. लाइक यार अच्छा ठीक है तू आ जा, दे कॉल्ड मी, दे डिडंट टेक माई ऑडिशन. दिस मैं रेडी हो गई, सब हो गया, डायलॉग सब, बोले नहीं यार तेरे चेहरे को देख के लगता ही नहीं तो कुछ गलत करेगी. आई सेड यार मुझे एक बार मुझे उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया and I think I just took it very personally. I said because they love me. See, there's nothing against. They said नहीं यार तो ये ना main lead का दे दे. I said but मुझे तो दिल है ना negative करने का. Then I remember Ved sir called me and he said यार एक ऐसा ऐसा role है आजा तू set पे आजा. And literally went on the set. उन्होंने मुझे अंतरा जो गुड्डन का role था वो बोला ऐसा ऐसा कुछ है करेगी. I said negative है ना sir करते हैं. हमने promo किया and I think दूसरा या तीसरा scene था जहाँ मेरा revelation था वहाँ से TRP is just spiked. And I was like, देखा मैंने कहा था मैंने कहा था. सो आई डोंट हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट, आई जस्ट हैव कि यार कुछ रोल इंटरेस्टिंग मिले जहाँ लगे यार इस कैरेक्टर को बनाते हैं. यू नो आई हैव कम टू दैट पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई फील कुछ करते हैं इसके साथ, यू नो लाइक आई नीड अ स्क्रिप्ट लाइक दैट नाउ. सो लाइक आई सेड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट ऑफ माय करियर. अभी हो गया हमारा, हमने सब कर लिया, 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे सब शूट सब कुछ, लास्ट मोमेंट पे 3-3 पेज के मोनोलॉग्स हम सब कर चुके हैं. नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट, आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई फील यार कोई अच्छा कैरेक्टर हो, लेट्स डू लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ इट. सो लेट्स सी, द शो से ज्यादा कैरेक्टर के नाम से जाना जाए. हाँ दैट विल बी फन राइट, दैट विल बी सो कूल. लाइक जब आते थे मुझे रैंडम आंटी आके बोलती थी कि यार अंतरा बहुत गलत कर रहा है, लाइक आई नो आई एम सॉरी आई नो टारगेट अचीव. मुझे केन्या में यू विल नॉट बिलीव एंड दिस इज एक्चुअली इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. केन्या में हम कहीं पे गए और किसी के घर में कोई काम करती हैं तो वहाँ पे ये लोग लोकल जो हमारे जो शोज हैं इंडिया के वो इंग्लिश में डब होते हैं और लोकल भी देखते हैं शोज को. सो वन लेडी बेचारी वो मतलब बड़ी स्वीट सी सेमी हुई सी वहाँ की लोकल मेरे पास आई और उन्होंने इंग्लिश में ही ऑब्वियसली बोला कि कैन आई आस्क यू समथिंग. आई सेड हाँ जी टेल मी. शी सेड डिड यू रियली किल दैट मैन विद दैट नीडल. आई वाज लाइक इन आवर प्रोफेशन वी डोंट किल पीपल. बट वो पता है मुझे ना वो जैसे गाँव में कोई आंटी नहीं होती है जो जिनको एक्चुअली लगता है कि हाय बेचारी या हाय She actually thought and she wanted to clarify कि मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया. मैंने कहा नो 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 हम नहीं करते.
बट इट वॉज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि आज के तारीख में भी कोई ऐसा सोच सकता है. They are so connected. She actually told me कि वो नीडल में पॉइजन था कैसे. नीडल में कुछ नहीं था, वो नीडल भी नहीं थी, अब क्या ही बोलूं. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर केनिया एक्सपीरियंस एज इन लाइक एज एन एक्ट्रेस. जब वहां पे रहती है तो किस तरह से रिएक्ट करते हो, मे बी योर नेबर एंड ऑल. इट्स ब्यूटीफुल, फील लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ. सी इंडियंस तो बहुत है, हम जानते हैं कि इंडियंस ने हर जगह धावा बोला हुआ है. सो पीपल आर एवरीवेयर. सो वेयरएवर आई गो इन द वर्ल्ड, इंडियंस तो थैंकफुली यू नो लाइक हूएवर वॉचेस द शो, स्पेशली द आंटीज एंड दिस क्यूट ऑडियंस इज ऑलवेज देयर. बट मेरे लिए इट वॉज एन आई ओपनर टू गो टू केन्या एंड रियलाइज कि लोकल्स भी देखते हैं. वहाँ के लोकल जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में डब देखते हैं. दे आर एज कनेक्टेड एज वी थिंक. हमारी जो आंटियाँ और भाभियाँ हैं कनेक्टेड हम लोगों से, टेलीविजन एक्टर्स से, एक्चुअली दे आर एज कनेक्टेड एंड दे ऑल वॉच. इट्स अमेजिंग. सो या इट्स ब्यूटीफुल. बहुत प्यार मिलता है जहाँ भी जाती हूँ. यू नो दे राइट लिटिल नोट्स एंड डू ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक आई गेट लव एवरीवेयर. इट्स ब्यूटीफुल. अच्छा ये बताइए, वेब शोज में तो बहुत सारी फ्रीडम है, स्पेशली फॉर लास और इंटीमेट सीन्स, किसिंग, स्मूथिंग, एवरीथिंग. आर यू कंफर्टेबल फॉर दैट और हैव यू लाइक डिसाइडेड नॉट टू डू समथिंग लाइक दैट? यार आई यू नो आई रिमेम्बर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तब कुछ ज़्यादा ही चलन आ गया था. जहाँ पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी थोक में चीज़ें हो रही थी. दे वर सेलिंग ऑन न्यूडिटी, आई थिंक दे वर सेलिंग ऑन सेक्स, दैट वॉज द होल थिंग. सो मेरी प्रॉब्लम उस टाइम ये थी कि जो क्रिएटिव्स या सीनियर लेवल के क्रिएटिव्स मुझे कॉल करते थे, दे यूज़ टू ऑफर रियली लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, बट दे यूज़ टू ऑलवेज से स्टोरी नहीं बताते थे. पहले यही पूछते थे कि आई यू ओके टू किस. आई सेड आई यू ओके टू टेल मी द स्टोरी फर्स्ट. स्टोरी तो देखने दो क्या है, क्योंकि अब तो आप हर जगह पे गुजार रहे हो. दैट टाइम द आई थिंक जब शुरू हुआ था वेब शो तो इट वॉज मोर लाइक लेट्स सेल सेक्स, प्रॉबेबली दैट वॉज द थॉट. बट नाउ इट्स कम डाउन टू द क्रिएटिव पार्ट. नाउ इट्स कम डाउन टू रियल स्टोरीज, क्योंकि अब लोग बुलशिट खरीद नहीं रहे. यू नो व्हाट आई मीन, तब कम था अब नहीं है. तो अब जो बन रहा है, अगर अच्छा कॉन्टेंट है, आप नोन नहीं भी हो, आपने एक्टिंग अच्छी की, तो लोगों को वो वेब शो पसंद आ जाएगा. इट्स कम डाउन टू दैट. सो माई आंसर टू दिस इज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच आई कैन किस और हाउ मच आई कैन डू. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट व्हाट्स योर स्टोरी. कैन यू शो समथिंग एस्थेटिकली एंड जस्ट लेट इट गो, बिकॉज हो गया ना, अंडरस्टूड है क्या. अब डिटेल में क्या जाने का उसको. यू नो हाउ आर यू शूटिंग इट. नाउ वी हैव डन सो मच वर्क दैट इट कम्स डाउन टू वॉट आर यू शोइंग माई फेस फॉर, वॉट एम आई डूइंग, इज इट मेकिंग सेंस. सो एज अ क्रिएटिव पर्सन एंड आई थिंक क्वाइट सीनियर नाउ, आई थिंक 20 साल के बाद तो बोल ही सकते हैं कि अब इफ इट मेक्स सेंस श्योर, डजंट मैटर. इट्स नॉट अबाउट कि मैं टच कर सकती हूँ कि नहीं, कि किस कर सकती हूँ कि नहीं. दैट्स नॉट द पॉइंट. दैट कांट बी द सेंटर ऑफ deciding the role. The role has to really 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 be nice. That's so nice. Yeah. Hamara lunch kidhar hai bhai? तो फाइनली हमारा लंच आ गया है और ये इतना यम दिख रहा है कि मैं वेट ही नहीं कर रही हूँ. वेट ही नहीं कर पा रही है. एंड अभी मेरा वाला आना बाकी है, बट जीत इज लाइक अपनी भूख बचानी होती है. और ये दुनिया में कहीं चले जाओ, ये जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना वो नहीं मिल सकता. एंड आई लव सी फूड. कोंकण से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. इट्स अमेजिंग. तो क्या क्या है आपके प्लेट में? आई कैन सी फिश. आई थिंक सुरमई है. ये भी आई थिंक करी शायद फिश की है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो फिश. एंड this is what is it called, soul curry isko like I said it isko bahut bahut powerful mante hain because iske andar bada kuch bahut kuch dal ke banaya jata hai. isko kehte hain ki if you have it every day it gives you a lot of energy. And of course the puris and the chutneys and I don't know what this is what is it, prawns, what is this dry fish. No wonder. Wow. Oh, it's amazing. But aapko dekh ke lagta nahi hai kitna fried wagera khate hoge. देखो मेरे अंदर है सरदारनी जीन्स. अच्छा. जो होते हैं ना, जो पंजाबी लोग होते हैं वो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं. सो मेरे लिए तो आई लव फूड. आई एम अ फूडी बट आई लाइक टू बी इन डिसिप्लिन. बट आई लाइक टू नॉट डिप्राइव माई सेल्फ कि मैं मर जाऊंगी खाऊंगी नहीं, ऐसी वाली नहीं हूँ. जहाँ ऐसा खाना मिलेगा 100% खाऊंगी. बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई ट्राई टू मेंटेन. सो व्हाट इज योर डिसिप्लिन वाला रूटीन इफ आई आस्क? यार डिसिप्लिन बड़ा बेसिक सा ही है कि कार्ब्स थोड़े कम खाती हूँ मैं. बट आई वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ मीट, कि ज़्यादा प्रोटीन खा पाऊँ एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. ओके. मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, थैंकफुली. तो आई लाइक टू गो ऑन मोर फाइबर एंड
प्रोटीन बट कोशिश करती हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम ये है अगर मुझे चीट करना होता है, जैसे लोग बोलेंगे जलेबी खाएंगे जी या कुछ मीठा खाएंगे, क्रेविंग होती है ना, मुझे क्रेविंग किस चीज़ की होती है? रोटी खाने की। ओके, आई थिंक मेरा वाला भी कुछ तो स्पेशल आ रहा है। लाइए। दिस लुक्स नाइस, दिस इज चिकन, नो? थैंक यू, दिस इज चिकन। वाओ। यू वांट टू ट्राई? आई विल फॉर श्योर, आप भी ट्राई करो, इट्स क्वाइट नाइस। आई थिंक ऑफ द फूड इज वेरी नाइस। चलो तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेट्स गो। ना सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट फूड, बिकॉज़ वी हैव फूड और भूख भी लगी है और हमसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो फूड की बात करते हैं पहले तो। See, like I said, I love food in general. मेरा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि स्पाइसी होना चाहिए। अच्छा। मैं ब्लैंड खाना नहीं खा सकती। खा सकती हूँ बट मर मर के खाऊंगी। एक मुझे फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं। आई एम अ वेरी पंजाबी लाइक दैट। आई डोंट लाइक फूड विदाउट फ्लेवर। सैलड भी खाऊंगी तो उसमें कुछ ना कुछ सीजनिंग आई ऐड, लाइक आई हैव एवरीथिंग बट विद टेस्ट। You take extra effort to do that. I will always do that. Like you give me some nice healthy salad, but main usme kuch lemon chili seasoning ya kuch na kuch dal ke I'll make it like what I want. How nice. But in general I'm a foodie. I love food. Aur mujhe I think my weakness is pani puri and all of that. So chatar patar. But that is again one of my cheating diets. Like pani puri ka naam sunke to munh mein pani aa jata hai. मीठा मीठा और वो एक लुक एक अलग ही ग्लो रहता है, बट यू हैव मेंटेन योर लाइक साइज जीरो, हाउ यू टेक केयर ऑफ इट, लाइक स्पेशली डू समथिंग? आई थिंक एज एन एक्टर जब आप बोलते हो कि यार हमें अच्छे रोल दो, I want to play a role which I was playing 2 years back. उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. Like I can't look, not look the part and expect कि मुझे आप role क्यों नहीं दे रहे. So if I'm demanding a role of a certain age group, a certain you know way, then I have to look the part. So that is a responsibility, I think. So I'm very conscious of the way, the thought कि यार, you know, Baba Ji की, you can say, दया से, as of now. Age or whatever doesn't really show so much. Like I can still play really nice, interesting roles. So I make it a point to work out, make a routine. But at the same time, I love to enjoy good food as well. Okay, okay. How about homemade khana versus bahar ka khana? And now you are in Kenya. So tell me about. Yeah, it depends. Like I don't have anything against bahar ka khana. Also, if you come to a place like this, आपको पता है अब भी fresh बन के आए, doesn't matter. जी. घर का खाना definitely over बाहर का खाना 100%. But क्योंकि मैं traveling बहुत करने लग गई हूँ and lot of things are happening, तो आप उतना maintain नहीं कर पाते. But मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊँगी तो this is what I'll order or that. अब वो नहीं होता कि जाते ही हम pizza ही खाना है. Like I'm okay to have salads and I think. मैनेज हो जाता है कुछ ना कुछ करके, बट क्योंकि बिहाइंड मुझे पता है आज मैंने बहुत चीटिंग की है तो मैं रात को आई प्रॉब्ली जस्ट हैव सम अ सूप और समथिंग एंड सी, तो वो बैलेंस इट्स ऑलवेज अ इट्स अ लाइफस्टाइल यू नो व्हाट शी मेक्स. सो हु इज द बेस्ट लाइक बेटर कुक, निखिल और तंजीन? सो आई थिंक नन. नन, ओह माय गॉड, थर्ड आंसर. बिकॉज़ आई थिंक मुझे जब से याद है आई एम वर्किंग, देन आई वॉज अ सिंगल पेरेंट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, 9 years आई वॉज वर्किंग. किचन में जाना हुआ बट यू नो हाउ हमारे घर के जो हेल्प्स होते हैं, दे हैव अ टेरिटरी. क्या चाहिए दीदी, क्या चाहिए दीदी, आपको क्या चाहिए, आप क्यों आए किचन, लाइक दे फील कि आप उनके टेरिटरी को इन्वेड कर रहे हो. सो एंड आई हैड सम वेरी पोजेसिव लेडीज इन माई लाइफ जो, तो किचन में ज़्यादा रहना नहीं हुआ, जाना हुआ, कुछ थोड़ा बहुत करना हुआ, तो आई एम नॉट रियली कुक 3 meals. ओके, but can I cook Indian food? Yes. But would I like to spend a lot of time in the kitchen? Maybe not. Okay. You know. So I think none. So what is like your favorite dish that you like to cook? I love cooking. Like I can make chicken curry really well. I can make aloo ka paratha very well. Yeah. Honestly, Jaden कई बार मेरे पास आता है, बोलेगा माँ can you make दाल चावल? तो मुझे तो दाल चावल बड़ा पसंद है, बिल्कुल बेसिक बेसिक तड़के वाला. सो मेरे हाथ का ही खाता है. सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इंडियन
जो मैं आई थिंक बहुत डिसेंटली अच्छा बना लेती हूँ. लेकिन अगर हाँ कोई स्प्रेड बनाना है 6 चीज़ों का, तो जो नॉर्मल लोगों जो जिनको प्रैक्टिस होती है जल्दी बनाएंगे, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा जी. बना मैं फिर भी लूँगी. सो आई कैन मैनेज माय वे अराउंड इट. निखिल को क्या पसंद है जो आपके हाथों से बना हुआ खाना पसंद करते होंगे? इज देयर समथिंग लाइक दैट कि आप बनाओ तो फिर मजा आ जाता है? होता है ना कि किसी किसी के हाथ का खाने का मन करता है वो. आई थिंक चिकन करी. ओके. या एंड हाउ मच यू मिस इंडियन फूड इन केन्या? यार अ लॉट. और वहाँ पे है इंडियन जगह है, रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर क्वाइट नाइस. एक ओपन हाउस करके विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स देयर, वेरी ऑथेंटिक. बट ऐसा नहीं है कि बाहर निकले तो आप यहाँ पे आपको कोंकण मिल गया, यहाँ पे मिल गया, वैसा नहीं. सो फॉर इंडियन यू विल हैव टू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट जो आप आधा घंटा ट्रैवल करके जाओगे. बहुत ज़्यादा इंडियन जगह नहीं है वहाँ पे, बट जो है वो बहुत ऑथेंटिक. बट अभी तक मुझे वहाँ परफेक्ट पानी पूरी कहीं नहीं मिली. तो यहाँ वाली मुंबई में कौन सी पानी पूरी आपको ज्यादा पसंद है? वो रोड साइड जो ठेले पर बेचते हैं या किसी 5-star में अच्छी जगह जाके? उसका आंसर मेरे चेहरे पे छपा है. ऑफ कोर्स रोड साइड वाली. यार मतलब कौन पानी पूरी 5-star में जाके खाएगा और क्यों अपने साथ ऐसा करेगा? ऑनेस्टली कभी कोई एक्सपीरियंस जब बिकॉज़ यू आर एन एक्टर, रोड पे निकलना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप चाहो, मन भी कर रहा हो कि मुझे रोड पे जाना है, यू कांट डू दैट. आई थिंक मुंबई में इतनी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई. हाँ, बिकॉज मुंबई में कई आंटियां मिल जाएंगी, सेल्फी खींच लेंगी, चली जाएंगी, दे डोंट रियली बॉदर यू. हाँ, इफ आई एम इन अ स्मॉलर टाउन समवेयर, कि मैं जबलपुर चली गई या कानपुर चली गई, वहाँ पे आई एम नॉट श्योर. हम ऐसे ही थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा क्राउड बहुत जल्दी हो जाता है वहाँ पे. बट मुंबई इज बीन वेरी यहाँ पे एवरी वन लाइक इतना. तो वहाँ पे रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन दिख रहे तो हमें मतलब पता नहीं क्या ही वोट कर लेंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा. कुछ ऐसा नहीं. सो बट स्टिल इट्स नॉट दैट, क्योंकि ऑल्सो देर आर सो मेनी वेब शोज, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स. अब क्या है ना, फेम बढ़ चुका है विच इज़ ग्रेट. एवरीबडी एंड्स अप गेटिंग देयर शेयर ऑफ फेम, एंड फेम आई डोंट थिंक हैज़ बिकम द सेंटर पॉइंट एनीमोर. जो होता था मुझे याद है, मैं बालाजी पहली बार आई थी, वॉज डूइंग द शो कॉल्ड कार्तिका, और मुझे पता चला श्वेता तिवारी शूट कर रही है. ओहो, मुझे वो फैन मोमेंट अपना याद है. मैं गई थी उनके सेट पे और ऐसे देखती थी, ऐसे रहा है श्वेता तिवारी, ओ माय गॉड. वो फैंडम आज के तारीख में या वो स्टारडम आज की तारीख में नहीं है. अब सब स्टार हैं और सभी फेमस हैं और सभी नहीं है. इट्स बिकम लाइक दैट, सो इट्स क्वाइट इजी. इससे मुझे याद आया, बॉलीवुड का क्या ख्याल है? हमने बात कर ली, टीवी आपने कर लिया, रियलिटी कर लिया, बट बॉलीवुड आज रिलीज हो रही है मेरी, वो तो हो रही है 100%. बट what about next, like something you have? Yeah, honestly today I'm very excited to see myself on a big screen. I think that itself is something which will be fun. And अब again movie is not become very unapproachable. पहले क्या होता था, सिर्फ वही खान और वही लोग होते थे, उनके opposite फिर लड़कियों के लिए भी बहुत, मतलब this much versus this much. तो हमारा chance was probably not. अब क्योंकि content based stardom आ गई है, content based सक्सेस आ गया है, बड़े से बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, छोटे से छोटी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं वर्ड ऑफ माउथ से. सो आई थिंक नाउ स्कोप ऑफ बीइंग ऑन अ बिग स्क्रीन और अ स्मॉल स्क्रीन और अ वेब शो और अ टेलीविजन, सब एक लेवल पे आ गया है, विच इज ब्रिलियंट. आई थिंक नाउ इज द एरा ऑफ क्रिएटिव लाइक फेयरनेस, जहाँ पे आप अच्छा बनाओगे आप दिखोगे. आप बड़े से बड़े स्टार को ले आओ, कुछ बकवास बना दो, लोग नहीं दिखेंगे. अब लोगों के पास लगता है यार छोटे, क्योंकि दो दो सेकंड में तो आप स्किप कर लेते हो यार. YouTube ऑडियंस है ना, स्किप 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 स्किप. तो ऑडियंस या तो आप बहुत ही कमाल कुछ बनाओ तो दे विल प्रोबेबली गिव यू उतना भाव डालेंगे, नेक्स्ट. अदरवाइज आजकल इंस्टाग्राम देखो ना, स्वाइप, इट्स जस्ट टेक्स यू लिटरली अ सेकंड. आपको एक सेकंड में उनको एंगेज करना है, तो आप कितने भी बड़े स्टार हो, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट्स अट्रैक्टिंग पीपल, दे नॉट अंडरस्टैंड. Which is great, which I think works. So it's not about big screen or small screen anymore. It is about good work. That's nice. So yeah. Tell me one thing. I mean, because 13 का आप हिस्सा रही थी. सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है highlighted. I think अभी तक उसी की बात होती है ना. अभी तक लोग बात करते हैं और अभी तो लोग तक लोग चाहते हैं कि वही Big Boss बने. विक्की को भी मोटा मोटा मैं जानती हूँ, बस वही दोनों है जो जब जा रहे थे.
आई वाज वेरी स्केयर्ड कि रियल कपल जा रहा है. वो घर एक रियल कपल के लिए कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का माहौल है और बाहर बैठ के जज करना, मैं तो 15 दिन में मेरी वाट लग गई थी. फॉर समबडी टू स्टे देयर एज अ रियल कपल, यू आर एक्चुअली पुटिंग योर मैरिज एट रिस्क. इट्स अ ह्यूज रिस्क शी इज टेकिंग एंड ही इज टेकिंग, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर नॉट डूइंग. मैंने मोटा मोटा देखा है, बट आई रियली विश देम वेल. दे आर फाइटिंग. फाइटिंग तो देखो हर कपल में होती है, किस कपल में नहीं होती, वो ठीक है. बट जो हम फाइट करते हुए तुम्हें, मैं शायद रात में तुम्हें कुछ बहुत बुरा कुछ बोल दूंगी, तुम बोल दोगे अगले दिन है बेबी सॉरी, हो गया, खत्म हो गई बात. हाँ. क्योंकि किसी ने देखा नहीं, तो किसी ने जज किया नहीं, तो आगे बढ़ गए. अगले दिन हमने हम गए डेट पे, इंजॉय किया, वापस आ गए और वो मिट्टी हो गई, मिट्टी पार दी आपने उसके ऊपर. लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ बोल रहे हो गलत, तो उस लाइन को पता नहीं कितने करोड़ों लोग डिकोड कर रहे हैं, आपकी नेशनल टेलीविजन पे, और आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज किया जा रहा है, जो आप शायद रियल लाइफ में भी करोगे ना. आपका झगड़े तो होंगे या कपल होगा तो 10 चीजें होंगी, लेकिन उस चीज को कोई डिकोड नहीं कर रहा है. आपके झगड़े हुए, आप अगले दिन डेट पे गए, मूवी गए, खत्म हो गई कहानी. सो दिस आई थिंक इज क्वाइट अ रिस्क, एंड आई प्रे टू गॉड कि ये लोग, मतलब जो भी झगड़े करें अंदर, जो जिसको जज करना हो करो भैया, बाहर आके अपनी शादी बचाएं, भगवान करे. That everything is fine. I don't know how it is going, but when I heard both of them are going, I was a little nervous. Because Big Boss is a very strenuous, very. वो घर एक time के बाद आपको याद, क्यों हर दो एक meter पे एक camera लगा है, जो literally ऐसे चैं चैं कर रहा होता है. अब जहाँ चलते हो, अगर लगता है कुछ interesting करने वाली है तो. हाँ. वो real life में नहीं होता ना. जी 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 जी. So it's quite a scary place actually. But आपको बता दूँ कि इनके झगड़े तो इतने serious हो गए कि मम्मियाँ जाके literally रो दी उनसे बात करके. देन बहुत सारी ऐसी क्लिप्स दिखी जिसमें अंकिता पैर से मार रही हैं विकी को, थप्पड़ मारने की खबरें आ रही थी. देन फैंस ये भी लिख रहे हैं कि इनका डिवोर्स ना हो जाए बाहर आने के बाद, इनका डिवोर्स हो जाएगा. नहीं, नहीं यार. सो हाउ डू सी, एक नेशनल टेलीविजन पे घर में झगड़े होते हैं, पैचअप हो जाता है. देखो आजकल के रिलेशंस भी ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे पहले अरेंज मैरिज होता था, ठीक है, लड़की और लड़के में होते थे 8-6 साल का डिफरेंस. हाँ. शादी होती बच्चे हो जाते थे. हाँ. तो वो कभी वो कंपैटिबिलिटी होती नहीं थी, रिस्पांसिबिलिटी पहले आ जाती थी. इट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा फर्स्ट. अब क्या फ्रेंडशिप होती है, यू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, यू बिकम फ्रेंड्स. तो आपका कम्फर्ट लेवल भी अलग तरीके का होता है. यू नो मैं कितने सारे ऐसे कपल फ्रेंड्स को जानती हूँ जो तू करके भी बात करेंगे. You know, they'll do this also. They are very comfortable physically, and it is not ki you are the man of the house, I'm the man of the house, and I'm the woman of the house. Wo wala hierarchy nahi hota hai kai relationships mein. So aap agar unke saath baithoge, you'll be like, hai kitna cute couple hai yaar. You know, are yaar, nahi aise kar liya, ya aise kar liya, ya what the hell, koi ladke ne aake usko piche se aise kar. Husband wife ki definition aaj ke tarikh mein bahut different hai in lot of houses. And mere khud ke aise kai friends hain jo, you know, physically bade bade wo karte hain, but they are very cute because we've seen them as friends. हम ग्रो हुए, दे वर फ्रेंड्स एंड दे गॉट मैरिड, बट दे स्टिल कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स. बच्चे भी होंगे बट एज फ्रेंड्स. तो तू तड़ाक करके भी बात होती है एंड थिंग, बट दे आर इन लव, इट इज अ फैक्ट. अब उनको जज नहीं किया जाता, क्योंकि अब अंदर उनके घर में रूम में क्या बातें हो रही है हम जज नहीं कर रहे. फेस वैल्यू थोड़ा टाइम पार्टी में गए, देखा और चले गए. सो इवन इफ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी वो देखा नहीं है, सो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू से दिस, बट अगर फिजिकल वो उस तरह की प्रॉक्सिमिटी है या फ्रेंडशिप वाले लेवल वाला कपल है, तो उनको फिर वैसे ही देखना चाहिए. देन यू कांट से कि ये लोग टिपिकल हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं बिहेव करें, क्योंकि वो आए नहीं टिपिकल हस्बैंड वाइफ. वो तो मैं जितना दोनों को जानती हूँ, बड़े क्यूट से हैं. मुझे याद है अंकी की शादी हुई थी और उसके अगले दिन ही, अगले दिन नहीं, उसी उस रात नहीं, शादी हुई, हम लोग होटल से वापस आए, शी सर आजा आजा, हम लोग सब बैठे हैं. आई वेंट टू हर हाउस एंड शी वॉज मेकिंग चाय, तो हमको चाय पिला रही थी वो, और हम सब हंस रहे थे कि अंकित तुझ पे सूट नहीं हो रहा यार, तो चाय पिला रही है हमको, यू नो, बिकॉज वो बड़ी बॉयश, बड़ी उसका एक वो एनर्जी बहुत अलग है. शी इज वेरी मूवफट, वेरी राइट देयर, दिल की बहुत साफ लड़की है. जी, जी, जी. तो मुझे वो लगता, मैंने उन दोनों को भी देखा हुआ है, चलना यार ऐसे करना, चलना उठना उठना साइड में हो. इट इज नॉट अ हस्बैंड वाइफ टिपिकल रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस. दे आर अ वेरी क्यूट फ्रेंडली कपल. अब उस लेवल पे अगर मैं जज अगर सोचूं, तो मुझे लगेगा यार तो वैसे ही बिहेव करेंगे दोनों, झगड़ा करेंगे, ठीक हो जाएगा. अब अपने घर में झगड़े कर रहे थे, तब तक तो आप वो कपल को बहुत ही अमेजिंग बोल रहे थे. अब आप उनकी एक एक चीज को जज कर रहे हो, आप नहीं जज कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो दे आर दैट पर्सनालिटी, दे आर हु दे आर.
सो जजमेंट शुड नॉट बी कि अरे एज अ लड़की इसने ये क्या किया या एज अ लड़का क्या किया. मॉरली अगर कहीं कुछ गलत जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग प्लेस आई गेट इट, वो रेक्टिफाई होना चाहिए. सलमान सर इज वेरी गुड एट दैट. उनको लगता है यार ये बिग बॉस में बह गया उसको वापस लेकर आओ तो वो सलमान सर रेक्टिफाई कर देंगे. तो एज अ कपल इतना जज नहीं करना चाहिए. एंड आई थिंक ऑडियंस शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम थोड़ा सा नॉट गेटिंग पर्सनल बिकॉज आपको नहीं पता उनका कैसा है, यू नो रियलिटी नहीं पता ना. वो अब घर में भी झगड़ा करते होंगे, आपने जज किया नहीं, जब वो आपको मिले आप बड़े खुश थे, आपको लगा यार बड़ा क्यूट कपल है, हो सकता है ऐसे ही करते हो, उनकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऐसी हो. उस पर कपल को जज नहीं करना चाहिए. आई रियली प्रे टू गॉड आए जो झगड़े पीछे हैं दे शुड एंड आई थिंक दे विल सॉर्ट इट आउट. नहीं कोई डिवोर्स फिवोर्स कुछ नहीं होगा बाबा, ऐसी बातें मत करो. डिवोर्स कराने पे ये बताओ आपकी अभी तक लोग चाहते हैं कि बिग बॉस 13 जैसा ही बिग बॉस बने. यू आर पार्ट ऑफ दैट सीजन सो हाउ डू यू सी दैट एंड डू यू आल्सो थिंक कि हर साल जो एक फैंस का डिमांड है एक ड्रीम है कि सेम वही सिद्धार्थ शुक्ला वाला दीप वाला सीजन बनना चाहिए वो क्या सही है. देखो मैं तो 100% बोलती हूँ कि अगर ये हो सकता है मिरेकल तो हो और सिद्धार्थ वापस आ जाए उस लेवल पे. तो 100% हर रोज हमें प्रे करना चाहिए कि 13 वापस आए. बट ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू से. द सीजन ऑब्वियसली वाज अमेजिंग, यू नो सिद्धार्थ की पर्सनालिटी अब कोई कॉपी कर नहीं सकता. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल कम थिंकिंग आज मैं सिद्धार्थ शुक्ला वाला प्ले करूँगा. उसकी पर्सनालिटी और बहुत रियल बंदा भी था, वेरी रियल सोल. है गुस्सा तो है, प्यार करेगा तो मतलब जो भी यू नो. और जितना भी टाइम मुझे उसके साथ मिला आई रियलाइज ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन. तभी उससे आप सब रिलेट कर पाए जी. गुस्से में तो भी रिलेट कर पाए, प्यार में था तो भी रिलेट कर पाए, जलस था तो भी रिलेट. आप हर क्योंकि बहुत रियल बंदा था जी, जी. अब वो यार वो तो सिद्धार्थ हमारा पूरा सीजन सिद्धार्थ लेके गया साथ में एंड इट बिलोंग्स टू हिम. And there is no two way about it. And I'm not taking it away from Asim or Paras or Sana. Not taking it. Everybody together. जैसे हमारा भी कोई show hit होता तो हम एक lead को नहीं दे सकते. इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं? You know हमारी जो बकरी थी से लेकर जो हमारी नानी बनती थी to me being a sister, we all contributed to make it together. तो Big Boss 13, Siddharth obviously for lot of reasons emotionally, it's his. It's him to take. But everybody together was amazing. So it just came together as an energy. And yeah, how aisa kuch ho jaye wapas aa jaye to 13 to matlab Siddharth ka hi hai. So chalo sir ji, tumne to bahut sari baatein ki, ab jaldi jaldi ye batao India wapas karwana hai. Bhagwan kare bahut jald, भगवान करे कि बहुत सारी ऐसे reasons मिले मुझे कि दलजीत आ जा, this is when we are shooting and I pack my bags and come and I shoot. I'm hoping that my career can now be, it culminates into something amazing. अब हो गया experience, okay, अच्छा कर सकते हैं, बहुत तारीफें मिल गई, but it should now culminate into real work, real audience, real characters. So I'm really hoping that I get some good work to motivate me to come. तो कब तो क्या depend करता है, जब बुलाओगे, जब miss करोगे मैं आ जाऊँगी. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए thank you so much and all the very best. My pleasure. Thank you so much. Thank you guys.